नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड के लोहरदगा विधानसभा निर्वाचन के क्षेत्र पूर्व विधायक और आजसू पार्टी के वरिष्ठ नेता कमल किशोर भगत का निधन हो गया है। शुक्रवार दोपहर को उनका शव लोहरदगा शहर के हरमू इलाके में स्थित इनके आवास में बंद कमरे में पाया गया। उनकी उम्र 55 वर्ष थी। उनकी पत्नी नीरू भगत भी कमरे में बेहोशी की हालत में मिली, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स में दाखिल कराया गया है। कमल किशोर भगत लोहरदगा विधानसभा से वर्ष 2009 में विधायक बने थे। एक मामले में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। बाद में वर्ष 2014 में हुए चुनाव में वो एक बार फिर इसी क्षेत्र से विजयी हुए थे। कमल किशोर भगत पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन उनकी मौत की वजहों का पता नहीं चल पाया है। घर के लोगों का कहना है कि भगत और उनकी पत्नी एक ही कमरे में थे। शुक्रवार को दिन चढ़ने के बाद भी जब उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो संदेह हुआ। घर वालों ने दरवाजा तोड़ा तो उन्हें मृत पाया गया। उनकी पत्नी भी बेहोशी की हालत में पाई गई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।